नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, जो कलाम अकेडमी के द्वारा पूरे राजस्थान स्तर पर रीट का पेपर आयोजित करवाया गया था, उसमें जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आप में से जिन स्टूडेंट ने भी सामाजिक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। अगर आप 60 में से 45 के आसपास भी अपना स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित ही काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा डाक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये कौन सा वेद है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यजुर्वेद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये क्या है? देखिए, सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था तो उसी से माना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और महाभिनिष्क्रमण यानी महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। आगे चलते हैं। महाजनपदकालीन गणराज्यों से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है? तो अलकल्प बुल्ली, मिथिला विदेह, रामग्राम कोलिय या फिर पिपलीवन मल। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिपलीवन मल, ये असत्य है। देखिए, जब हमने 10th क्लास की हिस्ट्री शुरू की थी तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने सारे ये लिखाए थे आपको। तो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे हमारे वीडियो से, अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको काफ़ी अधिक फायदा भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन में आय व्यय का ब्यौरा रखता था? तो देखिए, आय व्यय का ब्यौरा रखता था समाहर्ता, ये आप ध्यान रखिएगा। और कोषाग्रह किसके द्वारा बनाए जाते थे? कोषाग्रह तो ये सन्नदाता के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, शंकु थे, घटकर्पर भी थे, वराहमिहिर भी थे, आर्यभट्ट इसमें शामिल नहीं थे। निम्न में से किस ग्रंथ की जो रचयिता हैं वो हर्षवर्धन नहीं हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो रत्नावली पुस्तक हैं, नागानंद हैं और प्रियदर्शिका हैं, ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। जो हर्षचरित है और कादंबरी पुस्तक, ये दोनों बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर जावा में स्थित नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने सारे फैक्ट आपको बता रखे हैं। देखिए, बोरोबुदुर, मैनदूत और लोरोजंगरंग, ये सभी स्थित हैं जावा के अंतर्गत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बेयोन, ये जावा में नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के समान थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। संत रैदास रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। चोखा मेला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ये कथन सत्य नहीं है। देखिए, जो संत रैदास थे इनके गुरु थे रामानंद जी, ना कि रामानुजाचार्य। बाकी जितने भी कथन ये सही हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल था, तो कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। आगे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आपको बताने की कौन कौन से सही है। भारतीय पुनर्जागरण एवं धार्मिक सुधार के संबंध में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने मीरातुल जो अखबार है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के काल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन उन्होंने की थी। देखिए, यहाँ पर जो कथन सत्य हैं, आप कोशिश करें कि आप इसका आंसर बता पाएं। देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक, क्योंकि
क्योंकि जो पहला कथन है यही सत्य है, बाकी सभी गलत हैं। जो मीरातुल अकबर है ये फारसी भाषा में था, ना कि उर्दू में। हालांकि ये किनका है, राजा राम मोहन राय का ही अकबर हैं। और जो विलियम बेंटिंक थे उन्होंने 1829 ईस्वी में सत्य प्रथा पर जो गैर कानूनी इसको घोषित किया था, तो वो किसके प्रयासों से किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ना कि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं की गई थी। तो अगर आपको आता है तो आप लिख के जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बता रखा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। जिन्होंने भी हमारे वीडियो को ईमानदारी से देखा है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे चलते हैं। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो देखिए ये थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर वापस कुछ स्टेटमेंट है आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। 12 फरवरी 1923 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। देखिए पहला कथन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। और नेक्स्ट कथन देखते हैं, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा था, ठीक है, अंग्रेजी कानून को, तो ये कथन सत्य है। फिर है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था, देखिए ये कथन भी गलत है। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ना कि 1930 में। तो देख लेते हैं, 1 और 3 तो हो गए नहीं सत्य कथन में, 1 यहाँ पर दे रखा है और 3 इसके 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, तो ये कथन भी सत्य है। तो दूसरा और चौथा कथन सत्य है। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्राचीन सभ्यता स्थल दे रखा है और जिला दे रखा है, यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बालाथल उदयपुर ये सही है, गणेश्वर सिक्कर ये भी सही है, चंद्रावती सिरोही ये भी सही है। पचमता राजसमंद में है, ना कि चित्तौड़गढ़ में। आगे चलते हैं, निम्न में से किस शासक को भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा जाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन, जोधपुर के राजा थे। आगे चलते हैं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने कौन से स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था, देखिए करेक्ट आंसर होगा भीथौड़ा में। आगे चलते हैं, सिक्कर में संपन्न जाट प्रजापति महायज्ञ जो कि 1934 में हुआ था, मैं सिक्कर के समय में सिक्कर का शासक कौन था, देखिए उस समय थे कल्याण सिंह, ऑप्शन में बी यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के एकीकरण के समय संयुक्त बृहत्तर राजस्थान अस्तित्व में कब आया था, तो देखिए यहाँ पर जो पांचवा चरण है उसकी बात कर रहे हैं, तो पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बूंदी, सी नंबर ऑप्शन। ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जालौर में। आगे चलते हैं, यहाँ पर परंपरागत चतुर्वर्ण व्यवस्था में श्रमिकों को पांचवें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया था, तो देखिए ये थे संत पिंपा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र है, देखिए अलगोजा जो है वो है सुसीर वाद्य यंत्र। आगे चलते हैं, कौन सा आभूषण स्त्रियों के द्वारा सिर पर पहना जाता है, तो देखिए जो मेमंद है ये सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, देखिए एक खरी नागरिकता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी है, संघीय शासन प्रणाली भी है, संसदीय संप्रभुता ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है,
देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 16। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए करेक्ट आंसर होगा 5 मार्च 2007 को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन में बी। देखिए व्यक्ति की गरिमा ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें। तो आपको मौलिक कर्तव्य अच्छे से याद होने चाहिए, रीट में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 2022 में होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन में मत मूल्यों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1971। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीशों की कम से कम जो संख्या होती है वो कितनी होती है आवश्यक है? तो देखिए जो संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक मामलों की पीठ, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वप्रथम 200 निर्धारित की गई थी? तो देखिए ये थी विधानसभा 6। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए प्रस्तावों के अनुरूप राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित कर इसे राज्य में कब लागू किया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 अप्रैल 1994 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष पथ पर समकोण न बनकर बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का की परिक्रमण जो गति है, परिभ्रमण गति, ध्रुव पर अधिकतम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। देखिए कथन ए, बी और डी ये सही हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने खुद के चारों ओर ऐसे घूम रही है, तो इसकी जो अधिकतम गति होगी वो होगी भूमध्य रेखा पर, ना कि ध्रुव पर। चिनुक हवा कौन से पर्वत के सहारे चलती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकी पर्वत। निम्नलिखित में से चक्रवातों की विशेषता कौन सी नहीं है? चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, ये कथन सत्य है। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता जाता है, देखिए ये कथन गलत है। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, तो सही है। और चक्रवातों में हवाएं दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती हैं, तो ये कथन भी सत्य है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कॉपेन के द्वारा जो उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है, इसके लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए आर्द्र जलवायु के लिए कॉपेन ने बताई थी CWG, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, CWG। तो करेक्ट इसका आंसर ये होगा सी। अगर अति आर्द्र कहते तो अति आर्द्र के अंतर्गत ए आता, जो कि ऑप्शन के अंतर्गत ही नहीं दे रखा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन सा असत्य कथन है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 5 से 7.5 तक होता है। संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष की स्थापना नवंबर 2012 में दोहा सम्मेलन में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित हैं। देखिए पीएच मान यहाँ पर गलत दे रखा है, बाकी सारे कथन सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मिरी, मिसमी, अबोर और डाफला हिल्स किसके भाग हैं? तो देखिए जितने भी पहाड़ियाँ दे रखी हैं ये सभी भाग हैं उप हिमालय के। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पश्चिमी बंगाल में काल वैशाखी तूफानों से वर्षा कौन से ऋतु में प्राप्त होती है? तो देखिए, जो काल वैशाखी है ये ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा वृक्ष जवारीय वनों का उदाहरण है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो राइजोफोरा है, ये जवारीय वनों का के उदाहरण है। देखिए, जो जवारीय वन है और जो पर्वतीय वन है उनके जितने भी उदाहरण हैं वो मैंने अपने वीडियो के अंदर बता रखे हैं, ये भी बता रखा था, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। कौन सा यहाँ पर कथन सही सम्मिलित नहीं है? इंटीग्रल कांच फैक्ट्री, पेरम्बूर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का पठारी जो भाग है ये क्या कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता है ऊपरमाल। यहाँ पर कौन सा एक सम्मिलित नहीं है वो बताना है। मुख्य नदी दे रखी है यहाँ पर और उनकी सहायक नदी। देखिए, बनास की सहायक नदी कोठारी है, लुणी की कुहिया है और मही की सोम है। पार्वती और जो काली सिंध नदी हैं ये अलग अलग हैं, तो करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। महाराणा फतेह सिंह द्वारा आहड़ नदी के अतिरिक्त जल को फतेह सागर तक पहुँचाने हेतु निर्मित नहर कौन सी है? देखिए, ये नहर है चिकलवास। राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो देखिए, ये स्थापित की गई थी भोपाल सागर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भोपाल सागर कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और इस मिल की स्थापना कब की गई थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं, तो कौन से हैं? देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा में, न्यूनतम है जालौर में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश दे सकते हैं इस क्वेश्चन की। निम्न में से यहाँ पर आपको सभी सम्मिलित करने हैं। यहाँ पर भारत के बैंक दे रखे हैं और उनकी स्थापना वर्ष। देखिए, यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो तीसरे नंबर ऑप्शन का एफ सही होगा, तो तीसरा नंबर यहाँ पर दे रखा है, इसका एक केवल इसके अंदर का दे रखा है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहले का क्या है? पहले का तीसरा, भारतीय औद्योगिक जो पुनर्निर्माण बैंक है इसकी स्थापना 1985 के अंतर्गत हुई थी। जो आयात निर्यात बैंक है इसकी स्थापना 1982 में, और जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है इसकी स्थापना 1964 में। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश देख सकते हैं इसकी, और यहाँ पर हम हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए, पहले कथन गलत है, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस जिस ऑप्शन के अंतर्गत एक है वो हम काट सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन काट सकते हैं। जो एक रुपये का नोट है, एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, तो ये कथन सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ये कथन भी सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है वो उर्जित पटेल है, उर्जित आर पटेल, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर दो और जो तीसरा कथन है यही सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। विनियोग तत्व होता है, देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत, जो लाइफ इंश्योरेंस है जीवन बीमा उसके अंतर्गत होता है विनियोग तत्व। निम्न में से कौन सा शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा शिक्षा दर्शन। ह्यूरिस्टिक विधि यानी जो खोज विधि है किस पर आधारित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा नवीन संकल्पनाओं की खोज पर। आगे चलते हैं,
एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन के संबंध में क्या अनुशंसा की गई है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र से ली जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? चार परिभाषा दे रखी है, प्रोजेक्ट से संबंधित, प्रायोजनकारी से संबंधित, प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, किलपैट्रिक, ये किलपैट्रिक की परिभाषा सत्य है। प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है, देखिए बेलेट की ये परिभाषा नहीं है, शायद ये परिभाषा स्टीवेंसन के द्वारा दी गई थी। बाकी के नीचे की दो जो परिभाषाएँ ये भी सत्य हैं। प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ये पार्कर की परिभाषाएँ। वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूरा किया जाने वाला बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्य युक्त कार्य प्रायोजना है, विनिंग। तो ये आप प्रोजेक्ट की सारी परिभाषाएँ आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही सम्मिलित है? मायादीप, प्रक्षेपी, दृश्य सामग्री। देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो मायादीप है ये प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, बाकी सारे ये असम्मिलित दे रखे हैं। जो लिंगवा फोन है ये अप्रक्षेपित तो है लेकिन ये श्रव्य सामग्री है ना कि दृश्य। जो एपिडाइस्कोप है ये प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, और जो चार्ट है ये चार्ट ये आएगा अप्रक्षेपी दृश्य सामग्री के अंतर्गत। पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, या फिर मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। देखिए अगर आपको केवल ये पता है कि जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया है तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो परीक्षा यानी पूछताछ करना, तो परीक्षा जो प्रशिक्षण प्रतिमान है वो रिचर्ड सकमैन के द्वारा दिया गया था। तो दूसरे नंबर ऑप्शन का नंबर फर्स्ट केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सामाजिक परीक्षा प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन कॉक्स। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है, शिक्षण का चिंतन स्तर, ये किसके द्वारा दिया गया था? हंट के द्वारा। और जो प्रयोजनवाद है ये है चार्ल्स पियर्स। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा, जो उपचारात्मक शिक्षण है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? कक्षा कक्ष शिक्षण, देखिए ये तो होगा नहीं। निदानात्मक शिक्षण, ये भी होगा नहीं। चिकित्सात्मक शिक्षण या फिर उपलब्धि सुधार शिक्षण, उपलब्धि शिक्षण भी ये होगा नहीं। जो उपचारात्मक शिक्षण है इसको चिकित्सात्मक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो चिकित्सात्मक जो शिक्षण होता है उसमें पहले निदान किया जाता है उसके बाद में उपचार किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आपका जितना भी स्कोर बने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आपका 45 के आसपास भी स्कोर बन रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।